अगर आपकी ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, कॉन्टिन्यूसली हो रही है, इनकम्प्लीट अबॉर्शन हो रहा है, रुक रुक के ब्लीडिंग हो रही है, तब आपको थोड़ा सा रुक तो आप बिल्कुल सेक्स नहीं करें, कोई रिलेशनशिप नहीं बनाएं, वरना आपको और इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा आपके लिए रिस्की हो सकता है। तो उसमें रिकमेंडेड नहीं है कि आप कंसीव करें या फिर प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करें। सो बेटर है कि हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त गरिमा और आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि अबॉर्शन के बाद में या मिसकैरेज के बाद में हम रिलेशनशिप कब बना सकते हैं, यानी कि क्या राइट टाइम है रिलेशनशिप बनाने का आफ्टर अबॉर्शन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, बेसिकली अबॉर्शन जो होता है वो तीन तरीके का होता है, या आप मिसकैरेज भी बोल देते हो, वो तीन तरीके के होते हैं। एक तो होता है स्पॉन्टेनियस मिसकैरेज, जहाँ पर आपने प्रेगनेंसी प्लान किए होते हैं, आपने कंसीव कर लिया होता है और आपको अपनी प्रेगनेंसी जो है वो आगे बढ़ानी होती है, यानी कि आपको कंटिन्यू रखनी होती है प्रेगनेंसी, बट अनफॉर्चुनेटली आपका मिसकैरेज हो जाता है, वो होती है स्पॉन्टेनियस मिसकैरेज। दूसरा होता है मेडिकल अबॉर्शन, यानी कि आपने कंसीव कर लिया बट आप प्रिपेयर्ड नहीं हो उस प्रेगनेंसी को आगे ले जाने के लिए, या आपको बेबी नहीं चाहिए, वो होती है। देन फिर उसके बाद में मेडिकल अबॉर्शन तब होता है जब अर्ली प्रेगनेंसी होती है, यानी कि 9 वीक्स की जो प्रेगनेंसी से पहले पहले अगर आप अबॉर्शन करा लेते हैं, तब उसमें आप अनवांटेड किट या फिर अबॉर्शन किट की हेल्प से अबॉर्शन करते हैं, वो होती है मेडिकल अबॉर्शन। तीसरा होता है DNC या फिर सर्जिकल अबॉर्शन। सर्जिकल अबॉर्शन यानी कि आपकी प्रेगनेंसी जो है वो अर्ली प्रेगनेंसी नहीं रही है, 9 to 10 वीक्स के बियॉन्ड हो चुकी है और बच्चा जो है वो थोड़ा सा डेवलप हो चुका है, तो तब होती है सर्जिकल अबॉर्शन, यानी कि सर्जरी के थ्रू बेबी को हटाया जाता है आपके वूम के अंदर से। या तो आप नहीं चाहते हैं या फिर आपका मिसकैरेज अंदर ही हुआ होता है कुछ मिडल उसमें, और या फिर कोई भी कॉम्प्लिकेशन की वजह से बच्चा जो है वो नहीं रहता है और 9 to 10 वीक्स के ऊपर की जो प्रेगनेंसी होती है, तब उसके बाद में सर्जरी के थ्रू बेबी को बाहर किया जाता है, या फिर जो फीटस का जो पार्ट है उन सबको वूम से क्लियर किया जाता है और वो होता है सर्जरी के थ्रू। तो ये तीन तरीके से अबॉर्शन होता है। अब बात करते हैं कि स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन या मिसकैरेज होता है तो तब उसमें आप रिलेशनशिप कब बना सकते हैं। स्पॉन्टेनियस मिसकैरेज जब होता है तब वो काफ़ी ट्रॉमेटिक होता है, क्योंकि आपने पूरा प्लान किया होता है, आप बच्चे के लिए एक्साइटेड होते हैं, बट किसी भी रीज़न से आप बेबी को जो है वो लॉस हो जाता है आपका, एंड आपकी ब्लीडिंग वगैरह हो गई है, आपका वूम जो है वो क्लियर हो गया है, टिश्यूज़ वगैरह जो हैं वो कम्प्लीटली निकल गए हैं, आप मेंटली उस ट्रॉमा से बाहर आ चुके हैं, आपको फिजिकली हेल्दी लग रहा है, यानी कि आप फिजिकली फिट महसूस कर रहे हैं, तभी उसके बाद में आप दूसरी जो प्रेगनेंसी है उसके लिए प्लान कर सकते हैं, यानी कि आप अपना रिलेशनशिप बना सकते हैं, सेक्स कर सकते हैं, जिससे कि आप कंसीव करना चाहते हैं तो आप कंसीव कर सकते हैं। यूजुअली जो टाइम होता है वो 2 to 3 वीक्स होता है, अगर जो फीमेल है वो ट्रॉमा से बाहर आ चुकी है और वो कम्प्लीटली अच्छा फील कर रही है, ब्लीडिंग भी ख़त्म हो गई, कम्प्लीट अबॉर्शन हो चुका है और साथ साथ में उनको हेल्दी फील हो रहा है। कभी कभी होता है कि फीमेल्स की जो ब्लीडिंग होती है वो बहुत ज़्यादा होती है एंड उसकी वजह से उनको वीकनेस फील होना शुरू हो जाती है, यानी कि बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है, तो उसमें रिकमेंडेड नहीं है कि आप कंसीव करें या फिर प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करें। सो बेटर है कि आप इमोशनली और फिजिकली दोनों तरफ से बिल्कुल ठीक हो जाएं, स्टेबल हो जाएं, देन फिर उसके बाद में आप ट्राई कर सकते हैं। 2 to 3 वीक्स के बाद में आपको ठीक लगता है तो आप तब ट्राई कर सकते हैं। मेडिकल अबॉर्शन में भी सेम है कि मेडिकल अबॉर्शन में आपको बेबी नहीं चाहिए तभी मेडिकल अबॉर्शन यूजुअली जो फीमेल्स हैं वो कराती हैं, एंड मेडिकल अबॉर्शन 9 वीक्स से पहले पहले की जो प्रेगनेंसी होता है तब उसके लिए एप्लीकेबल है। उसके बाद में आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, इनफैक्ट मेडिकल अबॉर्शन में भी जब आप पिल्स लेते हैं तो वो डॉक्टर से पूछ कर ही लेना है। नेक्स्ट ये है कि आपका कंप्लीट अबॉर्शन हो गया है पिल्स के थ्रू, अल्ट्रासाउंड में भी आपका क्लियर आ गया है, कोई भी बच्चे का जो टिश्यू है अंदर, जो फीटस के जो टिश्यू हैं वो नहीं है, यूट्रस कम्प्लीटली क्लियर हो चुकी है, तो 2 से 3 हफ्ते के बाद में आप अपना रिलेशनशिप बना सकते हैं। अगर आपकी ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, कॉन्टिन्यूसली हो रही है, इनकम्प्लीट अबॉर्शन हो रहा है, रुक रुक के ब्लीडिंग हो रही है,
तब आपको थोड़ा सा रुक के करना चाहिए या सेक्स करना चाहिए, क्योंकि अगर आप उस ड्यूरेशन में सेक्स करते हैं तो सबसे ज़्यादा दिक्कत ये होती है कि फीमेल को इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, एंड एब्डोमन में इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो इन्फेक्शन को रोकने के लिए या इन्फेक्शन ना होने के लिए कंप्लीट अबॉर्शन होने दीजिए सबसे पहली बात, और दूसरी बात आपको वीक नहीं फील होना चाहिए। अगर इनकम्प्लीट अबॉर्शन है और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, रुक रुक के हो रही है और आपको थकान हो रही है, कई कई बार होता है कि लेग्स में एडिमा हो जाता है, एडिमा का मतलब बॉडी जो है वो वाटर होल्ड करती है और सूजन हो जाती है, तो अगर आप पूरी तरीके से रिकवर नहीं हैं तो उसमें वहाँ पर दिक्कत आ सकती है, क्योंकि आप सेक्स करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, आपकी बॉडी जो है वो थोड़ा सा रेस्ट मांग रही है, रिकवरी टाइम मांग रही है। तो अगर इस तरीके के कुछ सिम्टम्स हैं जहाँ पर आपका इनकम्प्लीट अबॉर्शन है और आपको ठीक नहीं फील हो रहा, तो बेटर है कि आप उसको अच्छी तरीके से रिकवर कर लें, उसके 1 से 1.5 महीने बाद में ही रिलेशनशिप बनाएं। अब बात आती है DNC की, यानी कि सर्जिकल अबॉर्शन। सर्जिकल अबॉर्शन में 1 या 2 दिन तक ही ब्लीडिंग रहती है, उसके बाद में आपका जो भी फीटस होता है अंदर से, जो बेबी होता है, वो कम्प्लीटली क्लियर हो जाता है। आपको लगता है कि आपको कोई थकान नहीं हो रही, कोई कुछ नहीं हो रही, आपको फर्दर कोई हैवी ब्लीडिंग नहीं है, तो फिर आप 2 से 3 हफ्ते बाद में दोबारा से सेक्स कर सकते हैं और रिलेशनशिप बना सकते हैं। अगर आपको कंसीव करना है तो 2 से 3 हफ्ते के बाद में आप आराम से कर सकते हैं। बट इन सारी चीज़ों में यही है कि स्पेशली मेडिकल अबॉर्शन और DNC में यही है कि अगर आपकी ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, इनकम्प्लीट अबॉर्शन है, आपको दर्द हो रहा है, रुक रुक के ब्लीडिंग हो रही है, वजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, स्मेली डिस्चार्ज आ रहा है आपको, आपका जो वूम है वो क्लियर नहीं हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि आपके अंदर का जो वूम है वो कम्प्लीटली क्लियर नहीं है और कहीं ना कहीं वो पार्टिकल जो है वो रॉटन हो गया, यानी कि वो सड़ गया है, और इसकी वजह से आपको इन्फेक्शन यूट्रस में हो सकता है और वजाइना का जो डिस्चार्ज है वो इसलिए स्मेली होता है। तो अगर इनमें से कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो आप बिल्कुल सेक्स नहीं करें, कोई रिलेशनशिप नहीं बनाएं, वरना आपको और इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा आपके लिए रिस्की हो सकता है। तो जब आपका वूम कम्प्लीटली क्लियर हो जाए, अल्ट्रासाउंड में कोई भी टिश्यू ना बचे, तो आप रिलेशनशिप बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड मेरे साथ में कमेंट जरूर शेयर करें। सो देन सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।